Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the remaining part of 24th chapter, solution of right triangle. So this is the sixth question. Find the length of diagonals AB, AC and BD. So it is given that AB is 60 cm and angle BAD, and this complete angle is of 60 degree. And it is also given that these all sides are equal, that means ABCD is a rhombus. And this angle is given 60 degree. Okay, then this is the midpoint. So we all know diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. That means these all are of 90 degree. ठीक है, diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं 90 degree पे. That means OA and OC are of equal length, OB and OD are also of equal length. So starting में आपने line लिखनी है, note करो. We know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree and also bisects the angle so diagonals जो होते हैं एक दूसरे को bisect करते हैं और इस angle को भी bisect करते हैं so, diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree and also bisects the angle of vertex. यहाँ पे ये सारे vertex angles हैं, angle of vertex. Okay. Now we can say OA equal to OC equal to half AC. Same way में OB equal to OD equal to half AB. ये एंगल कितना हो गया है, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी दिस इज हाफ एंगल बी ए डी. बी ए डी कितना एंगल गिवन है क्वेश्चन में, 60 डिग्री. ये कितना हो गया 30 डिग्री. ठीक है, तो ये जो छोटे वाला एंगल है ये हो गया 30 डिग्री ओ ए बी. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल. ये 90 डिग्री ये एंगल ऑफ रेफरेंस, सो दिस साइड विल बिकम बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा अगर ले हम साइन 30, इस ट्राइंगल में साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या आपका ओ बी, हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए बी. दिस इज परपेंडिकुलर ओ बी, हाइपोटेन्यूज ए बी. नाउ पुट द वैल्यूज, साइन 30 इज 1/2, ओ बी हमने कैलकुलेट करना है, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 60 डिग्री. और ओ बी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 अपॉन 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर. ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 ऊपर चला गया, 60 अपॉन 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर. क्या उसके बाद सेम ट्राइंगल में अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा, कोस 30, कोस 30, कोस 30 क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या आपका ओ ए अपॉन ए बी. कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2. ओ ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री. और ओ ए की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30√3 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, नाउ ये जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है तो ये क्या कह रही है, ओ ए इज इक्वल टू हाफ ए सी. यहाँ पे अगर ओ ए की वैल्यू पुट करो, यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी, 30√3 इक्वल टू हाफ ए सी. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी आ जाएगा 60√3.
सेम यहाँ पे ओ बी है, ओ बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, फिर यहाँ पे ए बी नहीं आना था, यहाँ पे बी डी आना था, ओ बी ओ डी इक्वल टू हाफ बी डी, ओ बी इक्वल टू हाफ बी डी, ये डायगनल को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस डायगनल का हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, ओ बी इक्वल टू हाफ बी डी, ओ बी की वैल्यू कितनी है 30, बी डी ये उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से बी डी की वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पहले हमने लिखा डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल ऑफ वर्टेक्स, तो ये सारे ए बी सी डी को बाइसेक्ट करता है। अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये भी 30, फिर यहाँ से हमें ये एंगल मिल गया, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और ये पूरी साइड का हाफ है, तो ये जो ये ए ओ है ये ए सी का हाफ है, ये 30 डिग्री आ गया, उसके बाद ये 90 डिग्री है। देन हमने इस ट्रायंगल में एक बार साइन थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर एक बार कोस थीटा लगाया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन वी गेट ओ बी की वैल्यू आ गई एंड ओ ए की वैल्यू, एंड हमें प्रॉपर ए सी चाहिए था, तो ओ ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए सी की वैल्यू आ गई, ओ बी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बी डी की वैल्यू आ गई। नोट इट डाउन, स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन हमें फाइंड करना है ए बी, ये कंप्लीट लेंथ फाइंड आउट करनी है, सो ये डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसे हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इन दोनों में हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये क्या है आपका एंगल ऑफ रेफरेंस, दिस इज 90 डिग्री, सो ये साइड होगी बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, हमें बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, इन ट्रायंगल ACF तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका CF, बेस क्या आपका AC, CF की वैल्यू 20 पुट की, AC को AC रहने दो, tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया AC इंटू 1, AC इक्वल 20, सो आपका AC की वैल्यू तो आ गई, जैसे क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं मेंशन तो हम सिंपल यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई यूनिट मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो एसी की वैल्यू आ गई आपकी 20। नाउ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ईडीबी, दिस इज योर टेन 60, दिस विल बिकम बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 30, बेस क्या आपका बीडी, सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3 और अंडर रूट 3, tan 60 इज अंडर रूट 3, सो फ्रॉम हेयर BD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30, BD ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे, कभी भी डिवीजन में अंडर रूट हो तो आपने रैशनलाइजेशन करनी है, दैट मीन्स अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड, नीचे क्या बन गया 30/3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये कटिंग हो जाएगी, ये 10 आ गया, सो बी डी की वैल्यू होगी 10/√3, सो दिस इज 10/√3, हमने ये भी निकाल लिया और ये पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये दोनों पार्ट इजी भी थे, लेकिन ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा, इसे आपने ध्यान देना है, तो ये डायरेक्टली सी डी हम नहीं निकाल सकते, यहाँ पे एक 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसे इस पॉइंट को पी ले लो, सो
draw FP perpendicular on ED. तो आपने एफ पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ ये क्या बन गई आपकी, एक रेक्टेंगल. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गई. ऊपर क्या है, एक राइट एंगल. अगर ये कम्प्ली, ये एक रेक्टेंगल है, ये कंप्लीट लेंथ 30 थी, ये 20 थी, तो अब ये 20 है और ये कितनी बची, 10. क्योंकि ये कंप्लीट 30 थी, अब ये रेक्टेंगल है, अब ये जो इतना पार्ट है ये कितना है आपका, 20, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये टोटल 30 थी, ये 20 है, तो ये कितना बचा, 10. देयरफॉर ई पी इज इक्वल टू ई डी माइनस पी डी. ई डी आपका कितना है, 30, पी डी कितना आपका, 20. हमने ई पी निकाला है, ई डी माइनस पी डी, ये कितना आ गया, 10. नाउ लुक एट हेयर, दिस इस ट्रायंगल को हमने देखना है. इस ट्रायंगल में से हम ये साइड कैलकुलेट करेंगे, ये साइड हमें पता है, जितनी ये साइड होगी उतनी ही हमारी सी डी होगी. सो ये क्या आपका 60 डिग्री एंगल ऑफ रेफरेंस, दिस इज 90 डिग्री, तो ये साइड क्या होगी, 20. इन ट्राइंगल एफ पी ई, ठीक है, एफ पी ट्राइंगल, अगेन 10 60, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर ये साइड बेस है तो ये साइड परपेंडिकुलर है, एफ पी अपॉन ई पी, एफ पी परपेंडिकुलर, ई पी बेस. 10 60 की वैल्यू भी आ गई, एफ पी अपॉन ई पी. 10 60 क्या होता है, अंडर रूट 3. एफ पी की वैल्यू, एफ पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ई पी की वैल्यू कितनी है, 10. एफ पी हमने कैलकुलेट करनी है, ई पी की वैल्यू है 10. यहाँ से एफ पी की वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 3. ठीक है, अब हमारे पास therefore CD is equal to 10 under root 3. FP जितना आया उतना ही CD आएगा. Reason, opposite side of rectangle. ठीक है, now AB जो हमने calculate करना था, AC plus CD plus DB. तो ए बी को हमने क्या लिखा है, ए सी प्लस सी डी प्लस डी पी. ए सी की वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट की 20. देन उसके बाद सी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3. एंड बी डी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, वो भी कितनी है, 3. ठीक है, तो अगर इन्हें ऐड करेंगे, 10 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3. 20 प्लस 20 अंडर रूट 3, इन दोनों में से 20 कॉमन ले लो, ये कितना आ गया, 1 प्लस अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 1.732. ठीक है, आ गया 22.732. जीरो से एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और बाकी सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आ जाएगा 4 6, देन 4, देन 5, 54.64 यूनिट्स. सो दिस इज योर आंसर. एट्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी एच शोन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी एंड डी सी पैरेलल है, ए डी डी सी बी सी ये कितने, 20, ए डी डी सी एंड बी सी डीज आर ऑफ 20 सेंटीमीटर.
angle is of 60 degree. Student, therefore, if the non-parallel sides, that is AD and BC, ये दोनों non-parallel sides हैं, अगर ये दोनों equal हैं, that means this is an isosceles trapezium. In isosceles trapezium, the base angles are also equal. If this is 60, this is also 60. So you have to write as AD is equal to BC. Therefore, this is an isosceles trapezium. Now, if this is an isosceles trapezium, base angles are equal and we have to calculate this length of AB. First, draw two perpendicular, one this perpendicular and this perpendicular. So now this is a right angle triangle, ABCD, make E and F. So, yahan pe kya aayega? Draw. Okay, draw perpendicular DE to AB and perpendicular CF perpendicular to AB. So, हमने दो perpendicular draw कर लिए. और दूसरी बात, आपने जैसे ही ये प्रूव किया कि isosceles trapezium है, एंगल A is equal to एंगल B which is equal to 60 degree. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये एक rectangle बन गई तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 20 है तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइड होगी आपकी 20 सेंटीमीटर. नाउ इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बेस हमने कैलकुलेट करना है, सेम यहाँ पे भी बेस कैलकुलेट करना है. सो इन ट्रायंगल ए ई डी, बेस के आपका ये, दिस इज एंगल ऑफ रेफरेंस, दिस इज 90 डिग्री, ए इज बेस. तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज तो को हम कोस थीटा लेंगे, कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस ए ई अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 20, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. यहां से आपकी ए ई की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 सेंटीमीटर. ठीक है, जैसे आपने ये कैलकुलेट किया इसी तरह से इस ट्राइंगल में, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर बेस, ये कैलकुलेट करना है. आपकी कैलकुलेशन के बाद एफ बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर. नाउ ई एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रीजन इसका देना है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, बिकॉज ये ई एफ क्या आपका, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल. नाउ ए बी क्या, ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी. ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, ये कितना आ गया, 10 प्लस 20 प्लस 10, सो ये आ गया 40 सेंटीमीटर. ठीक है, सो अब इसका सेकेंड पार्ट देख लो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी. तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, हमें ये डी ई, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है दोनों साइड्स में, तो ये कैलकुलेट करना है. अगेन दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है. सो साइन 60 अगर हम कंसीडर करें, साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर डी ई अपॉन बेस, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूज 20. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी ई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 √3, तो आपका आंसर आ गया 10 √3. ठीक है, चाहे यही रहने दो, अदरवाइज पॉइंट्स में चेंज भी कर सकते हो, 17.32 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दिस इज योर, दिस वाज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से देख लो ये क्वेश्चन, एक ट्रेपीजियम गिवन था, ए डी डी सी सी बी, सारे तीनों साइड्स 20 सेंटीमीटर थी, एंगल ए था
360 डिग्री। जैसे ही हमने देखा कि ए डी एंड सी बी इक्वल है तो ये क्या हो गया, आइसोसेलीस ट्रेपीजियम, क्योंकि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। आइसोसेलीस ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दिस इज 60 सो दिस इज आल्सो 60, ठीक है। उसके बाद हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, डी ई एंड सी एफ, सो दिस परपेंडिकुलर। अब हमें फाइंड आउट करनी थी ये लेंथ ए बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ई एफ देखा, ये एक रेक्टेंगल बन गई है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दिस इज 20 दिस इज आल्सो 20, दिस इज 60 दिस इज आल्सो 60। अब इस ट्रायंगल में हमने कैलकुलेट की ए ई की साइड, ये वाली थ्योरम लगा, कोस 60 की वैल्यू फाइंड आउट करके, कोस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए ई अपॉन 20, यहाँ से ए ई की वैल्यू आ गई 10। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में कैलकुलेट कर सकते हो एफ बी की वैल्यू, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगी 10। उसके बाद ई एफ की वैल्यू ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो वो कितनी है 20, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमें ए बी की लेंथ मिल गई, वो आई 40। नाउ सेकंड पार्ट, अगेन इस ट्रायंगल में गए, हमने डी ई की लेंथ कैलकुलेट करनी थी, यही है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें साइन थीटा का यूज़ किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। From here we get our answer 17.32. Ninth question, very easy. दो right angle triangles दी हुई हैं, हमें AB की length calculate करनी है। AB is equal to AP plus PB. So AP calculate करने के लिए इस triangle में देखिए, this is your base, this is your perpendicular. So tan theta use करेंगे हम, tan 30 is equal to perpendicular 10 upon base AP. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। AP कितना आ गया, ये साइड चला जाएगा 10 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसे जब अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32, ठीक है। नेक्स्ट हमें PB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज 45, तो ये साइड क्या होगी आपकी, बेस एंगल ऑफ रेफरेंस है 90 डिग्री के बीच, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सो अगेन tan 45 कितना आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर पी बी अपॉन बेस कितना है, दिस इज योर परपेंडिकुलर दिस इज योर बेस 8, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू आ गई आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पी बी इज इक्वल टू 8 into 1, 8, ठीक है। नाउ यहाँ पे ए बी कितना था, पी बी प्लस ए पी प्लस पी बी, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, ए बी इज इक्वल टू 17.32 प्लस 8, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ मिस की है, आपने खुद से लिखना है इन ट्रायंगल ए पी पी ए क्यू एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल मेंशन करनी है, पी बी आर, ठीक है। बाकी ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब मैं क्वेश्चंस जो इजी हैं वो बस जस्ट एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पे हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स दिस कंप्लीट लेंथ, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज 90 सो दिस इज आल्सो 90, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इफ दिस इज 30 सो दिस इज आल्सो 30 सेंटीमीटर डी ई, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है। नाउ इस ट्रायंगल में आपने tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल फाइंड दिस परपेंडिकुलर, ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए ई, बेस कितना है आपका 30, एंगल ऑफ रेफरेंस एंड 90 डिग्री के बीच वाली साइड क्या होती है, बेस, ये याद रखना है बस, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, सो यहाँ से ए ई की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इफ दिस इज 30 तो आपने ये कैलकुलेट करना है, नाउ वी विल डील विथ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई बी, सो tan 60 दिस इज योर बेस दिस इज योर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर कितना है, ई बी अपॉन बेस कितना है 30। टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, ई बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 अंडर रूट 3। ठीक है, नाउ ए बी कितना था आपका, ए ई प्लस ई बी, ए ई की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की 30, प्लस ई बी की वैल्यू कितनी है 30 रूट 3। ठीक है, इन दोनों में से 30 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3, ये कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 2.732। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज 11th क्वेश्चन। ए बी एंड ई सी पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, दिस लेंथ इज गिवन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ए डी एंड बी सी की लेंथ भी है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सॉरी यहाँ पे आएगा ए बी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, साइड ए डी एंड बी सी आर 2 सेंटीमीटर ईच एंड आर परपेंडिकुलर टू ए बी, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 90, सो दिस इज नाउ अ रेक्टेंगल, दिस कैन बी स्क्वायर बट एट प्रेजेंट सिनेरियो दिस कम्स टू बी अ रेक्टेंगल, अगर हमें ये दोनों साइड इक्वल कर दी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ए बी फाइंड आउट करना है दिस लेंथ, ओके, ए ई डी दिस इज 60, ए सी डी, ए सी डी, सो दिस एंगल दिस इज 45, ओके, इफ दिस इज 45, इस ट्रायंगल में हम सी डी कैलकुलेट कर लेंगे, जितना सी डी होगा उतना ही ए बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल तो है ही, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 2 है, ये 45। एक आपको ट्रिक बता दूं, अगर किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल तो होता ही है, अगर एक एंगल 45 आ गया तो दैट मीन्स ये एंगल भी 45 होगा, अगर ये एंगल 45 होगा दैट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर उसकी दोनों साइड्स ये वाली साइड इक्वल होंगी, इफ दिस इज 2 दिस इज आल्सो 2। ठीक है, हम सॉल्व करके चेक भी कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी दिस ट्रायंगल 10 45, कितना आ जाएगा 10 45, दिस इज बेस दिस इज परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी, ठीक है, 10 45 की वैल्यू कितनी दिया, 1 इक्वल टू 2 अपॉन सी डी, और वी कैन से सी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अगर ये सी डी 2 है सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ए बी भी 2 सेंटीमीटर होगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या था, ए सी, ए सी कैलकुलेट करना, अगेन इस ट्रायंगल में ही आपका ए सी भी कैलकुलेट हो जाएगा, देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना ए ई, तो यू विल यूज दिस ट्रायंगल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए ई। ठीक है, ए सी फाइंड आउट करने के लिए दिस, सो यू हैव टू यूज दिस ट्रायंगल, ए ई फाइंड आउट करने के लिए दिस ट्रायंगल, दिस इज 90, दिस विल बिकम बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो इन द सेम वे, सो नेक्स्ट 2 पार्ट आर योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, एंगल बी इज गिवन 60 डिग्री, ए बी दिस ए बी इज 16 सेंटीमीटर, बी सी दिस कंप्लीट लेंथ 23 सेंटीमीटर, वी हैव टू कैलकुलेट बी ई दिस लेंथ एंड ए सी दिस लेंथ, सो बी ई इस ट्रायंगल में आपको यूज करके आप बी ई निकाल सकते हो, इन ट्रायंगल ए ई बी दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस साइड इज बेस, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपका बी ई, हाइपोटेन्यूज कितना है 16,
योर लॉन्ग वैल्यू ऑफ कॉस 60 वन बाय टू. सो फ्रॉम हेयर बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन टू, दैट इज 8 सेंटीमीटर. सो बी ई आपने कैलकुलेट कर लिया 8 सेंटीमीटर. अगर बी ई आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बी सी, बी सी में से अगर मैं बी ई माइनस कर दूँ तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू ई सी. बी सी कितना था, 23 गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमने कैलकुलेट किया 8. सो ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 23 माइनस 8, दैट इज 15 सेंटीमीटर. सो दिस साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास ये एंगल 60 है, बट इस एंगल की या इस एंगल की हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना था ए सी, बट हमारे पास सी ई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे, हम ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं इस ट्रायंगल से ए ई की वैल्यू फाइंड. अगर ए ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ए सी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, सो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया इन ट्रायंगल ए ई बी. अगेन वी आर यूजिंग दिस ट्रायंगल, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. सो साइन 60 इज इक्वल टू ए ई, दैट इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 16. साइन 60 इज अंडर रूट 3 बाय टू. सो और वी कैन से ए ई इज इक्वल टू, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 अपॉन 2 अंडर रूट 3. सो ये कितना आ गया, 8 अंडर रूट 3. ठीक है, नाउ इस ट्रायंगल में हमने ए ई की वैल्यू निकाल ली 8 अंडर रूट 3. ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे आप लिख देना ए ई स्क्वायर, दैट इज 8 अंडर 3 स्क्वायर प्लस ई सी, हमने अभी कैलकुलेट किया था ई सी, दैट इज 15 स्क्वायर. ठीक है, 8 द 64 इंटू 3. सो फ्रॉम हेयर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 7, देन 11, 417. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, लॉन्ग डिविजन मेथड से वो आप कैलकुलेट कर लेना. ओके, नोट इट डाउन. अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में टाइम कम हो तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. ठीक है, तो आपका एक मार्क्स कट हो जाएगा, बट यहाँ तक अगर यू हैव सफिशिएंट टाइम देन ओनली गो फॉर लॉन्ग डिवीजन एंड कैलकुलेट दिस स्क्वायर रूट, अदरवाइज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Do subscribe to my channel and share with this video with your friends. And do comment on the video if you like the video. Thank you.